श्री मनसा देवी मंदिर ट्रस्ट प्रवेश द्वार। सबसे पहले आप सभी को जय माता दी। मेरा नाम है बलवान, आप सभी का स्वागत है माँ मनसा देवी पैदल मार्ग हरिद्वार। ये जो आप देख रहे हैं माँ मनसा देवी का मुख्य प्रवेश द्वार है। मनसा देवी पर जाने के तीन रास्ते हैं, एक रास्ता है उड़न खटोला, दूसरा रास्ता है माँ मनसा देवी सड़क मार्ग पैदल रास्ता, और तीसरा रास्ता है माँ मनसा देवी का पौड़ियों वाला रास्ता। पौड़ियों वाला रास्ता थोड़ा छोटा है लेकिन बहुत ही खड़ी चढ़ाई वाला रास्ता है। तो चलिए मैं आपको लेकर चलूंगा पैदल मार्ग सड़क वाले रास्ते से। दोस्तों ये है माता मनसा देवी यात्रा मार्ग पर बना हुआ बहुत ही सुंदर मुख्य प्रवेश द्वार, जिस पर स्वागत द्वार श्री मनसा देवी मंदिर ट्रस्ट लिखा हुआ है। यहीं से होगी पैदल यात्रा शुरू, और माता मनसा देवी की मंदिर की दूरी यहां से लगभग 2 किलोमीटर की दूरी है, और अब हम यहीं से जाएंगे पैदल, और आपको दूंगा इस वीडियो में पैदल यात्रा मार्ग की पूरी जानकारी। तो चलिए बढ़ते हैं अपनी वीडियो की ओर। माता मनसा देवी मंदिर हरिद्वार के मुख्य तीन रास्ते हैं, एक रास्ता है सड़क मार्ग वाला, ये जो आप देख रहे हैं जिस रास्ते से हम जा रहे हैं, और दूसरा रास्ता है पौड़ी वाला रास्ता जो बहुत ही खड़ी चढ़ाई वाला रास्ता है, और तीसरा रास्ता है ये जो आप देख रहे हैं उड़न खटोले वाला। माता मनसा देवी की यात्रा आप उड़न खटोले से भी कर सकते हैं, लेकिन हम जा रहे हैं इस बार सड़क मार्ग से। यह आप देख सकते हैं माता मनसा देवी पर उड़न खटोले जा रहे हैं, और हम चलेंगे सड़क मार्ग से। यह आप देख सकते हैं यहां से यात्री दर्शन करने के लिए जा रहे हैं माता मनसा देवी की, और ये रास्ता बहुत ही सिंपल और साधारण रास्ता है। रास्ते में एक दो जगह थोड़ी सी चढ़ाई आती है, वो भी मैं आपको इस रास्ते में दिखाऊंगा। वीडियो पर आखिर तक बने रहे। इस रास्ते में आपको बहुत से बंदर देखने को मिलेंगे, बंदरों से आपको थोड़ा सावधान रहना है, क्योंकि बंदर खाने पीने की वस्तु पर छीना झपटी करते हैं। गर्मियों में आपको इस रास्ते से थोड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि इस रास्ते पर कोई भी शेल्टर या कोई भी छाए का साधन नहीं है। हल्की फुल्की जो छाए हैं वो पेड़ पौधों की ही यहाँ पर छाए हैं। या सड़क वाले यात्रा मार्ग से आप आसानी से यात्रा कर सकते हैं, लेकिन जो पौड़ियों वाला रास्ता है वो बहुत ही कठिन रास्ता है, खड़ी चढ़ाई वाला रास्ता है, वहाँ पर चलते चलते आपकी सांस फूलने लगती है। सड़क वाले मार्ग से भी काफी यात्री यात्रा करते हैं, यह आप देख सकते हैं यहाँ पर भी लगातार यात्रा चलती रहती है। माता मनसा देवी हरिद्वार यात्रा लगभग पूरा साल चलती है, और यहाँ पर नवरात्रों के समय या कावड़ यात्रा के समय बहुत अधिक भीड़ होती है, उस समय यहाँ पर यात्री भारी संख्या में पहुँचते हैं दर्शन करने के लिए माता मनसा देवी के। माता मनसा देवी का मंदिर बिल्वा पर्वत हरिद्वार में स्थित है। यह आप यात्रा मार्ग देखकर अंदाजा लगा सकते हैं, यात्रा मार्ग पर कहीं पर भी इतनी कठिन चढ़ाई नहीं है कि यात्रियों को कोई परेशानी हो, यहाँ आराम से यात्री यात्रा कर सकते हैं इस यात्रा मार्ग से। वैसे रास्ते में यहाँ पर जगह जगह पर ये विश्राम करने के लिए बैठने के लिए बनाए हुए हैं, लेकिन ये बहुत ही कम है, जबकि गर्मियों में धूप के समय यहाँ पर यात्रा करने में थोड़ी परेशानी होगी, इसलिए यहाँ पर थोड़े और ज़्यादा सेंटर बनाने चाहिए बैठने के लिए। आपको इस यात्रा मार्ग से यात्रा करने में बहुत ही आनंद आएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको इस रास्ते से कई बार उड़न खटोले भी आपको रास्ते में मिलेंगे, और यहाँ से हरिद्वार का बहुत ही सुंदर दृश्य भी आपको देखने को मिलेगा ऊपर से।
इसलिए इस यात्रा मार्ग में बहुत ही यात्रा करते समय आनंद आएगा। ये देख सकते हैं यात्री धीरे धीरे यहाँ पर विश्राम करते हुए यात्रा कर सकते हैं आराम से। वैसे तो यात्रा मार्ग पर यहाँ पर कई जगह पीने के लिए पानी की व्यवस्था भी की हुई है। इस सामने आप देख रहे हैं मां मनसा देवी का मंदिर। अभी हम पहुंच गए हैं बिल्कुल मंदिर के नजदीक और यहीं से हो जाती है माता के प्रसाद की दुकानें। यहां पर आप प्रसाद लेकर आप जूते चप्पल यहीं पर उतार सकते हैं। बस कुछ ही दूरी पर है अब मां मनसा देवी का मंदिर और अभी आपको कुछ ही देर में मां मनसा देवी के दर्शन करवाएंगे। ये देख सकते हैं प्रसाद वाले माता के प्रसाद के लिए बोल रहे हैं, आप यहाँ पर जूते चप्पल उतार सकते हैं और प्रसाद लेकर जाएं। ये बस सामने ही दिख रहा है मां मनसा देवी का मंदिर और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं उड़न खटोले हमारे बिल्कुल ऊपर से आ रहे हैं। ये देख सकते हैं यहाँ पर एक बहुत ही पुराना पीपल का पेड़ और वहां पर सामने लिखे मां मनसा देवी कैंटीन और मां मनसा देवी का मंदिर यहीं से हो गया है। मां मनसा देवी के दर्शन करने के लिए लंबी लाइन। श्री मनसा देवी मंदिर ट्रस्ट प्रवेश द्वार देख सकते हैं। यहीं से लाइन शुरू हो गई है लाइन में और आने वाले यात्री यहीं पर अपनी मन्नतों की चुन्नी और धागे बांधते हैं। देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पर कितनी माता की चुन्नी बंधी हुई है। ये जो आप हवन कुंड देख रहे हैं आने वाले यात्री अपने साथ धूप बत्ती अगरबत्ती लेकर आते हैं वो हवन कुंड में ही डालते हैं सभी यात्री। बस अभी हम माता मनसा देवी के दर्शन करेंगे। आप ध्यान से माता मनसा देवी के दर्शन कीजिए, वो आप सामने ही देख पा रहे होंगे। माता मनसा देवी जय माता दी। आप कर रहे हैं माता मनसा देवी के दर्शन। अब हमने दर्शन कर लिए हैं और हम निकले हैं बाहर। जैसे ही आप बाहर निकलोगे वहां आपको माता चामुंडा देवी के दर्शन होंगे और माता चामुंडा देवी के पीछे ही आप देख सकते हैं आने वाले यात्री अपनी मन्नतों के धागे बांधते हैं और जिनकी मन्नतें पूरी हो जाती है वो अपने यहाँ पर धागे खोलने के लिए आते हैं।
दोस्तों ये देख सकते हैं यहाँ पर माँ मनसा देवी के मंदिर में अपनी मन्नतों के धागे बांध रहे हैं सभी श्रद्धालु। जय माता दी। जैसे ही हम थोड़ा आगे की ओर बढ़े तो हमें दर्शन हुए श्री लक्ष्मी नारायण जी के, जो आप सामने दर्शन कर रहे हैं लक्ष्मी नारायण जी के। इसके बाद आगे मंदिर है श्री हनुमान जी का और हमने श्री संकट मोचन हनुमान जी के भी दर्शन किए। दोस्तों अभी हम माँ मनसा देवी के दर्शन करके मंदिर से बाहर आ गए हैं। Allah 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 Allah